नमस्कार, आज भाई पूरी प्योर 100% काम की बात करेंगे, 1% भी फालतू बात नहीं करेंगे। काम की बात यह है, आज की वीडियो में बताने वाला हूं चैन लूज क्यों आती है, लूज मतलब ढीली क्यों हो जाती है चैन। चैन के ढीले होने के दो कारण हैं, अगर आपने कारण पकड़ लिए तो उनका निवारण भी कर सकते हैं, उसका सलूशन भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे चैन ढीले होने के दो कारण, दोनों कारणों से चैन ढीली होती है। तो चैन ऑटोमेटिक वो कारण आप पकड़ लोगे तो टाइट हो जाएगी, लेकिन पहले की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा दो। वीडियो बनाने में लगता है बहुत सारा पैसा, कैमरे में पैसा जाता है, तो हमें ज्वाइन जरूर करो। बिना सपोर्ट के कंट्रोल बिना सपोर्ट के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए शुरू से शुरू करते। तो जैसा देखो, बहुत सारी ये मशीनें हैं, ये आप जितनी भी मशीन देख रहे हो, ये चैन है, ठीक है। अब ये लूज क्यों होती है, चलते चलते कंप्लेंट आती है, कभी कभी आप लोगों के भी पास आई होगी कि चैन तो टाइट है लेकिन चलते चलते लूज हो जाती है, ढीले हो जाती है। ये देखिए, तो हम ऐसी आज टेक्निक बता देंगे आपको। आज का वीडियो अगर आपने समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी भी आपकी चैन ढीली होगी नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह। तो ये बताऊं, इससे पहले मैं थोड़ा आपसे परिचय करा देता हूं। तो भाई ये मशीनें हैं हमारे बॉस की। बॉस का नाम है जिग्गू। जिग्गू क्या नाम है? ये मशीन है किसकी है? मेरा। और ये सोने वाला? ये जिग्गू का मशीन है भाई, सोने वाला भी अभी अभी आया है। देखो ये देखो, तो ये सोने का चैन बनेगा इस पे, ये देख रहे हो, चांदी का, इतना बारीक चांदी और सोने दोनों का बारीक चैन बनेगा एक ही मशीन से। पकड़ो लेंस अपना। लेंस से अच्छा तो ये है, देखो बीहड़ में बागी होते डकैत मिलते पालक। एकदम से लाल होना चाहिए। शाबाश, जानते तो हो। तो भाई साहब, ये बन गई हमारी फाइनल चैन। तो चैन लूज आने के जो कारण हैं वो हमारे भाई साहब बताएंगे। तो भैया आप बता दोगे क्यों लूज आती है चैन? क्या नाम है आपका? कैलाश कर्मकार। कैलाश भैया आप बताइए चैन लूज क्यों आती है, या मैं बताऊं? बता दीजिए। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का ये। अरे आप ही बता दो, आपको तो बता दिया ना हमने। हाँ पीकू तुम बताओ, कौन सी क्लास में आ गई हो? टू में आ गई। तो चलो हम बता देते हैं दर्शकों को। तो देखो मित्रों, मैं बताऊं आपको चैन लूज क्यों आती है, चाहे वो करब चैन हो या वो एंकर वाली चैन हो, चाहे वो बारीक हो या वो मोटी वाली चैन हो, कोई सी भी चैन हो, लूज आने के सिर्फ दो कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है आपका तार। अब ये क्या आप बोलोगे, ये तो सिंपल सी बात है। हाँ भाई सिंपल सी बात है। देखो मान लेते हैं ये जो हमारी मशीन है 115 का तार चलता है, लेकिन यहाँ पे आपका भूलवश तार 110 का लगा दिया, चैन ढीली आएगी। 112 का लगा दिया, चैन ढीली आएगी। अरे वाह गुड आइडिया। यहाँ चैन ढीली हो जाती है और आप लोग समझते हो कि मशीन में खराबी आ गई। मशीन में कभी खराबी नहीं आती है। तो पहला पॉइंट है तार का कम होना, गेज कम होना, मैं जानता हूं। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बताते हैं। उससे पहले भाई एक मेंबर है हमारे, इनसे मिल लो। अब भाई क्या हाल है? हेलो श्रेष्ठ काना। तो भाई काना से मिल लो पहले। हाँ लड़ा इधर देखे, इधर लाइट की वजह से कर रहा है। तो दूसरा जो कारण है मैं आपको बताऊं। आप तुम कर लो काम पहले। देखो दूसरा कारण क्या होता है, अबे जल्दी बोल कल सुबह।
ये मशीन के अंदर दो प्रेशर होते हैं दाब, एक होती है सामने वाली, ठीक है, एक होती है ये। तो होता क्या है, जब ये कड़ी बनती है ना, जैसे हटो इस पर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारी कड़ी बनी और प्लास ने कड़ी को पकड़ा, पकड़ने के बाद ये यहाँ पे लेके जाएगा चांद कटर के डाई सेट के अंदर, और जब ये लेके जाता है तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर एक साथ में अप्लाई होता है। ये देखो, ये दोनों एक साथ में लगेंगे, देखो हैं, एक साथ में ये वाला प्रेशर तो इसको दबाएगा और ये वाला प्रेशर, सॉरी ये वाला मंदिर वाला जो लीवर है वो तो इसको दबाएगा चांदे को, और जो जो ये वाला लीवर है साइड का ये दबाएगा कटर को, चांद कटर दोनों एक साथ में दबते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर एकदम। तो यहां दबने से प्रेशर अप्लाई होता है। अगर आपका तार डाउन नहीं है पूरा है और उसके बाद भी चैनल लूज है, तो आपको क्या करना है, या तो आपका ये वाला प्रेशर और या ये वाला, दोनों में से एक न एक प्रेशर लूज हो जाता है। आपको इसको ज्यादा नहीं छेड़ना है, इसको टाइट कर देना, हल्का सा टाइट करोगे प्रेशर हो जाएगा पूरा और चैन लूज नहीं आएगी। प्रेशर को चेक करने का तरीका बता रहे हैं आपको हम, ये देखो यहाँ पे आप तार को हटा दो, हटा दिया। अब इसके बाद जब प्लास ऐसे खाली रहेगा ना ऐसे, तो कड़ी को पकड़ के नीचे लेके जाएगा, ये गया नीचे, और नीचे ले जाने के बाद यहाँ चांद कटर ये बंद हो जाएंगे, ये देखो ये हो गए बंद, ये बंद हो गए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको यहाँ से इसको ऐसे ऐसे हिलाना है। अगर ये हिलेगा ऐसे ऐसे तो समझो यहाँ प्रेशर हो गया, कम प्रेशर बढ़ा देना है यहाँ से, ठीक है, इस बोल्ट से। और अगर ये टाइट है नहीं हिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तार डाउन है। ये दो कमी होती है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो आशा करता हूँ आज हमारे आप वीडियो से 101% सीख गए होंगे, और अभी भी नहीं सीखे हैं तो फिर बिना भाई बता देंगे। भाई क्या हाल है, ठीक है, कैसे होता है ये सब काम? तो बता दी, इतने साल से चला रहे हो आपको तो सब पता है, बताइए ना। अरे हंस का है रे, बोलिए, अरे कुछ बोलिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा फ्री सेवा। और अगर किसी भी सज्जन को मशीन खरीदना हो तो ये हमारा मशीन है, ये नंबर पड़ा हुआ है, ये हमारा लोगो है, लोगो देखकर ही मशीन खरीदो। और खरीदने के लिए नीचे नंबर दिख रहा है, नंबर पर कॉल करो, मशीन तो मिलेगी लेकिन मशीन के साथ में मिलेगी आपको गारंटी सफल होने की। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से तो भैया का तो पहले से मशीन है 4-5 साल से, अभी लिया है सोने का। कोई तरीका है भीख मांगने का? ऐसे ही हमारे वीडियो आते रहेंगे, ज्ञान की बातें बताते रहेंगे, काम ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए मेरी और काना की तरफ से बाय बाय, बाय बाय।